इसराइली अखबार हारिट्स में कमर खल्दून शाहिद के शाया मजमून ने एक और इसराइली अखबार की उस खबर का हवाला दिया जिसके मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के साबिक मुआविन खसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने नवंबर 2020 में इसराइली दारुलहुकूमत अल अबीब का खुफिया दौरा किया। हारिट्स ने लिखा कि ज़ुल्फ़ी बुखारी ने इस दौरे की तर्दीद की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पाकिस्तान से रात के अंधेरे में इसराइल से राबतों की तहकीकात का मुतालबा किया है। हारिट्स ने लिखा कि बाज़ लोग इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान सफारती राबते रवां साल 2021 के आगाज़ में भी मौजूद थे। मजमून निगार का कहना है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के साथ ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहा है। इस बार ये मामला किसी दबाव के तहत नहीं बल्कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की वजह से है। इसराइली अखबार ने यह भी लिखा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात के बारे में सबसे ज़्यादा मज़ाहमत मजहबी जमातों की तरफ से आ सकती है। इसराइली अखबार के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले से पैदा होने वाली ताज़ा सूरत हाल से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के इसराइल से ताल्लुकात का फैसला तालिबान करें। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।